अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी चंद मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना इंस्टा जो है इंस्टाग्राम इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। और ये जो अकाउंट है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन ओपन होंगे, लेकिन आपने यहाँ पे क्लिक करना है हेल्प पे। तो हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपने हेल्प सेंटर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपने जो है इसे कैसे ओपन करना है, किस टैब में ओपन करना है। तो आपने यहाँ पे क्रोम को चूज़ कर लेना है। और आप बाकी भी कोई भी ऑप्शन आपके मोबाइल में अगर कोई ऑप्शन और है तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्रोम में कर रही हूँ क्योंकि क्रोम में करने से ज़्यादा आसानी से हम अपना अकाउंट जो है डिलीट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आने के बाद पहले क्या था गाइस कि अब जो इंस्टाग्राम है वो नहीं चाहता कि उसकी जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो कम हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इंस्टा पे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी हो, उनके ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो वो नहीं चाहता कि अकाउंट डिलीट करें लोग, तो इसलिए अब इंस्टाग्राम ने अपने जो डिलीट का ऑप्शन है वो पहले ऊपर रखा हुआ था यहाँ पे, आप लोगों को बता दूँ, मैनेजिंग योर अकाउंट। तो लेकिन अभी इंस्टाग्राम ने जो है अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है और उसी हिसाब से उसने अकाउंट डिलीट का ऑप्शन भी थोड़ा मुश्किल कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे आने के बाद आपने नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी हम अकाउंट जो है आसानी से डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आने के बाद आपने हाउ डू आई डिलीट माई अकाउंट यहाँ पे क्लिक कर देना है गाइस। तो यहाँ पे करने के बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद भी ये आपसे पूछेंगे कि आप फिर कैसे अपना अकाउंट जो है ओपन करना चाहते हैं, कैसे पेज जो है डिलीट कर लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने फिर क्रोम पे कर देना है। और उसके बाद फिर आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो अकाउंट आपने डिलीट करना है, जो अकाउंट आपने डिलीट करना है वही आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे कि उसका जीमेल या उसका नंबर। तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल दे के और पासवर्ड दे के जल्दी से अपना अकाउंट जो है ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने कैसे अकाउंट जो है आसानी से डिलीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक बार अपना अकाउंट जो है लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आपने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद ये आपसे पूछेंगे कि भाई आप अपना जो लॉगिन का जो सारा प्रोसेस है वो सेव करना चाहते हैं लॉगिन एक्सेस या नहीं। तो भाई अभी हम डॉट नो कर रहे हैं क्योंकि हमें तो अपना अकाउंट डिलीट करना है। तो फिर उसके बाद आपके पास आप जो असल पेज जो है अभी आप लोगों के पास ओपन होगा, जिस पे लिखा होगा डिलीट योर अकाउंट, why do you want to delete its winning, यानी कि जो मेरा अकाउंट जो मैं अपना डिलीट कर रही हूँ तो वो आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं। इसीलिए आपका जो अकाउंट होगा उसका नाम लिखा होगा कि why do you want to delete your account। तो उस पे करने के बाद आपको ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक नंबर जो है चूज़ कर लेना कि आप अपना अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप आसानी के साथ अपना अकाउंट जो है डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी मसला नहीं चाहते, तो आपने कह देना है यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। ये देखिए कौन सा, वो जो मैंने पीछे लगाया था, ये क्रिएट ए सेकेंड अकाउंट, यानी आप अपना सेकेंड अकाउंट भाई करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए आप इसे डिलीट कर रहे हैं। तो आपने इसे कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लगा देना है कि आपका पासवर्ड क्या था। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा लेती हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे करने के बाद आपने अपना पासवर्ड लगा देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा डिलीट इट्स विनिंग, यानी जो मेरे अकाउंट का नाम है तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है। और यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी हिडन अनटिल मई 31, 2021 एंड डिलीट ऑन द डेट, और इस डेट पे जो है आपका अकाउंट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, यानी कि आज की डेट पे। तो यहाँ आपने डिलीट अकाउंट पे सिंपली क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, वो फिर से पूछ रहे हैं कि भाई आप ही हैं जो आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। तो उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है।
जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट है, योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन, यानी आज की जो डेट है, आज की डेट पे आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है। सो गाइस, देखा ना आपने कितनी आसानी के साथ अपना अकाउंट जो है आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना अकाउंट जो है डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया इंस्टा से, लॉग आउट यानी डिलीट हो गया या अभी भी वहाँ पे है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने सब बैक कर देना है, क्योंकि हमने एक बार देखना है कि अकाउंट, ये देखें आप देख सकते थे पीछे ऊपर मेरे प्रोफाइल पे आ गया था कि आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो अकाउंट था मेरा डिलीट हो चुका है, और यहाँ पे दो न्यू अकाउंट जो मैंने पहले अपने ओरिजिनल अकाउंट जो लॉगिन कर रखे थे वही वाले हैं। तो गाइज, इसी तरह आप भी अपना अकाउंट जो है बहुत ही आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।